विंद बिहार कॉलोनी के पास विगत 20 वर्षों से आवास बनाकर रहने वालों के घरौंदों में रेलवे ठेकेदार के द्वारा बुलडोजर चलाया जा रहा है। बेघर हुए लोगों ने अपनी बात मीडिया से बताई तो आक्रोशित ठेकेदार धमकी देने पहुंच गया। ठेकेदार की धमकी से भयभीत लोगों ने बताया कि उन्हें जान का खतरा है। दरअसल सिंगरौली रेल लाइन के लिए पटरी बिछाने का काम जारी है, जहां विगत 20 वर्षों से रेलवे की जमीन पर कुछ लोग घर बनाकर रह रहे हैं, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर सभा में कहते हैं कि भूमिहीनों को पट्टा दिया जाएगा, जो जहां रह रहा है उसे वहीं का पट्टा दिया जाएगा, लेकिन लोकल स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बरसों से परिवार का भरण पोषण करने वालों के लिए अब सिर से छत भी छीना जा रहा है, वहीं ठेकेदार के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस में टाइम। समस्या ये है कि मेरे को कल मैंने आप लोगों से शिकायत की, आज मेरे को धमकी दी गई कि रेलवे वालों से बात ना करोगे और तुमने ये क्या किया है। हमने कहा कि मेरे को रहने को घर स्थान नहीं है, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे, तो कहीं मैं ये नहीं जानता हूँ जो रेलवे की ज़मीन है वो ली जाएगी। और दूसरी बात, तुम आगे कदम ना बढ़ाओगे, आगे कदम बढ़ाओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। किनके द्वारा धमकी दी? ये जो है एक जावेद मुसलमान है, वो जो है पहले ठेका का काम कर रहे थे और उनके द्वारा इन्हें जो है बताया, क्या बोलती है, पुड़के सामने जावेद से कि आपके खिलाफ में बयान दिए। तो श्रीमान जी, मैंने सच्चाई बोली तो मेरा परिवार बुझ जाए, मैं मर जाऊँ, और मेरा कौन है इसमें? रेलवे कर्मचारी की क्या भूमिका है? है इसमें रेलवे की कर्मचारी की ये भूमिका है कि दूसरे के कहने से मेरा नष्ट किया जा रहा है। आज मेरा 20 साल से घर बना है। 2012 में इन्हें शिवराज सिंह चौहान ने मेरे को तो वहाँ जाके भोपाल में अलर्ट किया था कि इनको पट्टा दिया जाए, जो जहाँ रहते हैं, मैं गैर धर्म स्वामी हूँ और मेरे पास जमीन नहीं है, तो इनको पट्टा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। धमकी कौन दिया आपको? धमकी दी जावेद ने। क्या कहा? ये क्या है कि तुम जो है रेलवे के आगे कोई कदम ना बढ़ाओगे, और तुम अगर कदम बढ़ाओगे, मैं आ रहा हूँ, मैं तुमको देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ। तो रेलवे कर्मचारी द्वारा भी धमकी दिया गया है क्या? रेलवे के कर्मचारी दिए हैं वो भी धमकी? वो भी रेलवे के कर्मचारियों ने धमकी दी। बुरके साहब का नाम लिया गया, बुरके साहब जो है मैन है, इसमें जो है पैसा खाया गया। मैंने सच्चाई बताई तो सच्चाई के लिए मेरी जान जा रही है। कितनी समय धमकी दिया गया है? मेरे को दी है अभी 10 बजे सवेरे, आज सवेरे। आज क्यों धमकी दे रहे? कल प्रेस में आ गए, मीडिया में आपने दिया इसलिए। और उसने ये कहा है कि मेरे को मीडिया का नंबर दीजिए, कौन है वो मीडिया जो कि न्यूज निकाल रहा है। ठीक है।